अमर, अरे अमर कहाँ है? ओहो ओ भास्कर, हाँ हदा है। भास्कर 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 मेरे दोस्त। भास्कर नहीं, भूत भास्कर पूरा नाम। हाँ। भूत भास्कर पूरा नाम। अब ये बता कि इतना अर्जेंटली तू मुझसे मिलना क्यों चाहता था? अमर मेरे दोस्त, मैं तेरे को अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने आया हूँ। वो अमर, तेरे को तो याद होगा कि वो संगीत कलाश में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, सुनीता। अरे हाँ याद है ना। अरे मैंने ही तो तेरी सेटिंग कराई थी उसके साथ। सुनीता करवाई थी, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, उस सुनीता के साथ मैंने अपना डुएट गाना बंद नहीं किया। और उसी डुएट का रिमिक्स है ये मेरी लड़की चुप्पी। ओहो, तेरी बीवी को इसके बारे में पता है? बिल्कुल नहीं पता है, इसलिए मैंने अपनी चुप्पी की शादी चुपचाप करने की सोची है। लेकिन एक बात का वचन दे कि चुप्पी के बारे में तू किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भूत दोस्त भास्कर, मैं तुझसे वादा करता हूं कि चुप्पी के बारे में मैं हमेशा चुप्पी साधे रहूंगा। तो मैं चाहता हूं मिलते हैं भूतलैंड में, शादी में। ओके ओके भास्कर, बाय। नमस्कार। देखते जाओ भूत अंकल, मैं इस चुप्पी से जलाऊंगा आपके किस्मत की कुप्पी। तुम सब समझ गए ना कि क्या करना है? हाँ, लेकिन क्या ये सब करना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गेस्ट यहाँ रहने के लिए आ रहा है वो टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंट है। अगर उसे ये गेस्ट हाउस पसंद आ गया तो वो हमें बहुत बिजनेस ला कर देगा। तब अच्छा बिजनेस छोड़, हाँ। और काम पे लग यार। चल 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 अरे विक्की, कोई बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है यार? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूत अंकल ने ऐसा क्यों किया। अरे बेचारा पुअर कामुक कमलेश पूरा दिन पूरी रात एक ही रट लगा के रखता है, आई एम अनमैरिड, आई एम अनमैरिड। और यहाँ पे तो रिश्ता सामने से चल कर आया और इन लोगों ने उसे ठुकरा कर फेंक दिया, ये जानते हुए कि रिश्ता जो लेकर आया है वो इनके बचपन का दोस्त भास्कर है, जो कि भूत बन चुका है। लेकिन विकी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। अब भूत अंकल कामुक के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कामुक की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। अरे फ्री में नौकर दास मिला हुआ है ना। करेक्ट बोल रहे, एकदम करेक्ट बोल रहे विकी। लेकिन यार क्या लड़की थी। हाय क्या लड़की थी। क्या नाम था उसका? चुप्पी। हाँ चुप्पी चुप्पी। आंख जैसे मृगनैनी, होंठ जैसे कि संतरे की फाक और गाल जैसे कि रस से भरा रसगुल्ला। हाय हाय हाय। ब्रदर, आई एम अनमैरिड। और आप हमेशा अनमैरिड ही रहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। कहाँ? वहाँ। ओह यस, स्मार्ट। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है? कामुक, अगर हम आपसे झूठ बोलते तो हमें कैसे पता चलता कि आपके डैड के दोस्त का नाम भास्कर है जो कि अब भूत बन चुका है? ओह यस, इनको कैसे पता भास्कर अंकल के बारे में? अरे आप सुनो यहाँ बैठ के ना, आप टाइम वेस्ट मत करो। अपने बाप के पास जाओ और पूछो कि भास्कर अंकल यहाँ आए थे कि नहीं और उनकी बेटी का नाम चुप्पी है या नहीं। ठीक है, आज मेरे डैडी को मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा क्योंकि यू आर अनमैरिड। ओह यू ऑल नो दादा। इट वर्क्स गाइस, इट वर्क्स। ये बोल कभी फेल नहीं करता जाने की। बाहर आओ, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो। आज मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए डैड। बाहर आओ। क्या हुआ कामुक? तू गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि आपने क्यों किया ऐसा? क्यों बात हो के आपने एक सांप की तरह हरकत की? क्यों आपने डस लिया मेरी जवानी के उमंगों को? क्यों लील गए आप मेरे अरमानों को? कामुक! डैड, आपने क्यों मना किया उस रिश्ते से? रिश्ता? कैसा रिश्ता कामुक? कौन सा रिश्ता? भास्कर अंकल की बेटी के रिश्ते से। क्या बकवास कर रहे हो तुम कामुक? मेरी आस को बकवास आपने बनाया है। अगर ये बकवास है तो क्या ये भी झूठ है कि भास्कर अंकल यहाँ आए थे? बोलिए, जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या ये भी झूठ है कि भास्कर अंकल की बेटी का नाम चुप्पी है? बोलिए, क्या ये भी झूठ है कि वो यहाँ अपनी बेटी चुप्पी के रिश्ते की बात मेरे साथ तय करने आए थे? जवाब दीजिए डैड, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए डैड, जवाब दीजिए। बस आपकी इस चुप्पी से मुझे उस चुप्पी का जवाब मिल चुका है। खामोश कामुक, बदतमीज तो तू था ही, लेकिन आज तू इतना गिर गया कि अपने बाप पे उंगली उठा रहा है। उस बाप पे जिसने तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। अरे तू है क्या कामुक? तू क्या है? ना काम का, ना कायद का, दुश्मन अनाज का। इसी अनाज से याद आया, घर में आटा खत्म है क्या? है पल्लू घुमा के जाओ चक्की पे आटे की 5 किलो गेहूं पिसवा लाओ पल्लू घुमा के। शट अप कुसुमकली, तूने आज अपने बाप का दिल तोड़ा है कामुक, और आपने तो जैसे जोड़ दिया है। यहाँ मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता। हाँ तो जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। लेकिन जाने से पहले, तेरे पैदा होने से लेकर तेरे मरने तक यानी 1958 तक मैंने जो पैसे तुम पे खर्चा किए ना, उस पैसों का हिसाब देकर जाओ। पूरे 20,000 रुपए हिसाब देके जाओ मुझे। ये सुनने से पहले हम मर क्यों ना गए पल्लू घुमा के? तुम पहले ही मर चुकी हो और कितनी बार मरोगी तुम। और क्या हुआ कामुक? तोते उड़ गए? उड़ गए तोते? अरे आपके एहसानों की 1-1 पाई में वापस कर दूंगा। तुम कहां से लाओगे पैसा? कौन देगा तुम्हें पैसा? हम देंगे तुझे काम कामुक। मेरे बाप ने भी मेरे साथ यही किया था और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। भूत निर्दयी हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। आज एक इंसान एक भूत के काम आएगा। कामुक, इनकी बातों का विश्वास मत कर, ये लोग बकवास कर रहे हैं। हम बकवास नहीं कर रहे हैं। आज से कामुक कमलेश इस गेस्ट हाउस का सिक्योरिटी इंचार्ज होगा और मंथली सैलरी होगी उसकी 5,000 रुपए। अबे ये क्या बोल रहा है? यहाँ सिचुएशन ऑलरेडी टाइट है और तू उन गरीबों में पैसे बांट रहा है। 5,000 को मत देख, आने वाले 50,000 को देख। है कामुक कमलेश, ये रहा 5,000 रुपया तुम्हारा एडवांस। तुम आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रू फ्रेंड मिस्टर अमरनाथ भंडारी, डडडैंग डडडैंग डडडैंग, ये रही तुम्हारे एहसानों की पहली किश्त 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 किश्त। आशीर्वाद वाद वाद। ए चलो हटो हटो, नहीं भीड़ क्यों लगा रखी है, सामान है देख नहीं रहा। आइए सर, सर आइए, हटो आइए आइए सर, सर प्लीज प्लीज आइए 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 सर। आइए सर आइए आइए सर आइए आइए सर आइए 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 आइए। हटो हटो, अरे देख लेना साहब आ रहे हैं, चलो हटो हटो हटो। आइए 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 सर, सर आइए आइए सर आइए आइए प्लीज सर प्लीज। बस सर, आप इसे अपना ही गेस्ट हाउस समझिए। आप हमें बिजनेस लाके देते रहिए और बदले में हम आपको कुछ देंगे। ना मत कहिएगा सर प्लीज। अरे मैं ना क्यों करूंगा जी, माई नेम इज भीषण, कमीशन इज माई मिशन। ओह देखो जी मैं बहुत थक गया हूँ, बाकी की गल कल सुबह करेंगे कमीशन की, समझ में आ गया है। My name is Mishan, commission is my mission। मेरा बैग किधर है? सर 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 आपका बैग ये लीजिए। अरे जी। ओके गुड नाइट, क्लोज द डोर। ओके क्लोज द डोर। सर 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 काहे का गुड नाइट यार। कामुक बुरा मत माना लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज तो बना दिया है, लेकिन तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर इन्हें डरा देंगे। और अरे ऐसे कैसे डरा देंगे मालिक? अरे they do it यार। नो 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 मालिक, अब आप आराम से जाकर सो जाइए। जब तक ये गुलाम आपके साथ है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पता है मालिक, जब एक घोस्ट दोस्त बनता है तो दोस्ती निभाना भी जानता है। मालिक 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 मेरी बात मानिए मालिक 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 मालिक। डराने से पहले तुम्हें इस गेस्ट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड से जूझना होगा। मैं जानता था कि तुम एक नंबर के जूझिए हो, और कितने बड़े जूझिए हो ये अभी पता चल जाएगा। पहले से ही मर चुकी हो कुसुमकाली, just shut up and stand there। क्या बात है भाई, इतना शोर क्यों हो रहा है? हल्ला गुल्ला भाई, क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे विक्की छोड़ना यार, सोफा खाली पड़ा है, वहां जाके बैठ जाते। चल हाँ चल चल। सिक्योरिटी क्या हो रहा है ये? बैठो बैठो। क्या हो रहा है भाई? सिक्योरिटी क्या नाटक है ये? साहब कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। हाँ तो शोर दबाओ। जी साहब। ए कामुक, इन इंसानों ने तुझे नौकरी क्या दे दी? तूने आज अपने पाप का हाथ पकड़ लिया। अरे कल ये तुझ पर छोटा मोटा एहसान कर देंगे तो क्या ये लोग तेरे लिए बाप से बड़े हो जाएंगे? अरे इंसान तो उसी दिन मेरे लिए बाप से बढ़कर हो गए थे जिस दिन मेरे अपने बाप ने मुझसे मेरी परवरिश का हिसाब मांगा था। शाबाश कामुक भाई शाबाश। इतना दम है ना तुझमें कामुक, तो आ अपने बाप पे हाथ उठा, मार मुझे कामुक, हिट मी कम ऑन हिट मी। डैड मुझे मजबूर मत करिए। अरे मैं तुझे मजबूर करता हूँ, हिट मी कामुक, मार मुझे, हिट मी, मार मुझे मार मुझे कामुक मार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.